नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी चार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है आपके राज्य की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पटना के मंदिरी स्थित जाट सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस पहुंची। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मंदिरी स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। मंगलवार की सुबह पप्पू यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगा दिया गया। मौके पर बुद्धा कॉलोनी थाना के थाना अध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। गौरतलब है कि कोरोना मरीज और उनके परिजनों की मदद के लिए पप्पू यादव लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने पप्पू यादव को घर से निकलने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसी वजह से भारी संख्या में पुलिस उनके आवास पर पहुंची है। उन्हें बताया गया है कि वे लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल पप्पू यादव को पुलिस अपने साथ गांधी मैदान थाने लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने से मना किया गया। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बब्बन यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से हाल फिलहाल में पप्पू यादव लगातार कोरोना पीड़ितों की मदद किए जा रहे हैं एवं ऑक्सीजन से लेकर खाना पीना हर चीज की सुविधा कोरोना मरीज को मुहैया करा रहे हैं, इन सब से सरकार आहत होकर पप्पू यादव को झूठे केस में फंसा रही है। वहीं श्री यादव ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुई और पप्पू यादव ने इस पर जमकर सरकार को घेरा, जिसके बाद मीडिया में ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रही थी। इस घटना के बाद सांसद महोदय ने अपनी सफाई में बोला था कि हमारे पास ड्राइवर की कमी है, जिस वजह से एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है। हालांकि पप्पू यादव ने इसका भी जवाब देते हुए तत्काल दर्जनों ड्राइवर लेकर सांसद महोदय के पास पहुंच गए, जो कि सरकार की एक बड़ी विफलता को दर्शाता है, जिसके बाद आज ये कार्रवाई अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अगर पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई नहीं हुई और पूरे राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उल्लंघन की क्या परिभाषा है, कोई आदमी जनप्रतिनिधि है, अगर उसका कोई लोग पीएमसीएच में एनएमसीएच में कहीं कोई मर रहा है तो वह तो जाएगा देखने के लिए, उसकी जवाबदेही बनती है, सामाजिक जवाबदेही और उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही भी आप कह सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व तो बनता है कि अपने लोगों को जा करके देखे, लोगों से जाके मिले, उसके दुख दर्द में शामिल हो, उसको जितना मदद हो सके करे, यह जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है। अपने दायित्व के निर्वहन में अगर इसको कोई कहता है कि लॉकडाउन, तो सरकार पुलिस की भी गाड़ी घूम रही है, डीएम की भी गाड़ी घूम रही है अपने दायित्व के निर्वहन में, तो जनप्रतिनिधि का भी कहीं ना कहीं दायित्व है ना भाई। पप्पू यादव अपने दायित्व के निर्वहन में पीएमसीएच एनएमसीएच और सभी जगह जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भर्ती हैं, उनके लोग भर्ती हैं, गरीब आदमी मर रहा है, लोग फोन कर रहा है कि सर आप यहाँ पर आइए, 10 दिन से यहाँ पर इलाज पड़ा हुआ है, बेड पर कोई इलाज करने वाला नहीं है। वैसी परिस्थिति में हम ही नहीं, पप्पू यादव ही नहीं, कोई भी अगर आप भी रहिएगा, अगर आपको कोई फोन करेगा, आपका कोई नज़दीकी आदमी या कोई आपका सगा संबंधी मित्र दोस्त, तो आपको तो जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये लॉकडाउन का मामला कहीं से नहीं बनता है, बिहार में बड़ा जन आंदोलन होगा और सरकार जो है इतनी, हम नहीं समझते हैं कि इतना बड़ा गलती करेगा, सरकार को तुरंत रिहा कर देना चाहिए और सेवा का जो सेवादारी जारी है उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए, लाखों लोगों गरीब लोगों का आशा है पप्पू यादव। जिस जनता के सामने जनप्रतिनिधि और मंत्री बड़े बड़े वादे जनता से कर मूलभूत सुविधाएं देने का दम भरते हैं, वहीं नेताजी आज संकट की इस घड़ी में क्षेत्र से विलुप्त हो गए हैं। जनता को भीड़ के रूप में जुटाने के लिए, धरना देने के लिए और जुलूस निकालने के लिए जिस जनता का इस्तेमाल नेताजी किया करते हैं, उसी जनता का हाल जानने तक के लिए कोई भी प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा।
जहां कोरोना संक्रमण की भीषण महामारी में जहां जनप्रतिनिधि विलुप्त हो चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली संकट के दौर में पीड़ितों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाया बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहयोग के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दीपक बाली ने काशीपुर के सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर में जाकर मरीजों का हाल जाना। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। दीपक बाली ने बताया कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर जनता की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं और सभी को इस संकट की घड़ी में मदद के लिए आगे आने की बात कही गई है। ऐसा है कि यहाँ जो पेशेंट बढ़ती हैं उनको किसी चीज की असुविधा तो नहीं है और किसी भी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। इसी चीज को मैं देखने के लिए आया था। डॉक्टर्स या टेक्नीशियन या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसको दुरुस्त किया जा सके या भोजन में किसी तरीके की कमी, तो सभी चीज़ ठीक है। खुद भी मरीजों से भी मैंने बात की है, सब लोग बहुत संतुष्ट है इलाज से जो यहाँ चल रहा है। लगभग कितने पेशेंट हैं इस समय? 20 पेशेंट हमारे, 19 पेशेंट इस समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और एक अभी पहुँचने वाले हैं, तो इस समय 19 हैं और ये 20 हो जाएंगे। देश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इस कोरोना महामारी में हर कोई रूबरू हो गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बार बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की गला फाड़ के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाली के आंकड़े शून्य से भी नीचे पहुंच चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डबल इंजन सरकार के उत्तराखंड प्रदेश से कोटद्वार के बेस चिकित्सालय की, जहां पर 300 बेड हॉस्पिटल होने की बात हमेशा से होती आ रही है, लेकिन धरातल में अस्पताल 300 बेड से कोसों दूर है। बेस चिकित्सालय के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों को अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए कोनों में फर्श का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है। अस्पताल के बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में प्रभारी सीएमएस से पूछा गया तो उन्होंने भी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने की बात को स्वीकार किया। जो बेड अस्पताल में है वह भरे हुए हैं और जो मरीज रिकवर हो रहे हैं वह बेड छोड़ने को तैयार नहीं है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि समय रहते सरकार ने क्यों नहीं बेस चिकित्सालय में बेड की संख्या बढ़ाई, और अगर तैयारियां पहले से की होती तो आज मरीज जमीन पर अपना इलाज कराने को मजबूर नहीं होते। इस समय आज की जो स्थिति है, इस समय हमारे पास आपके टोटल 70 बेड हैं जो कि नॉन कोविड वाले 70 बेड हैं, जहां सस्पेक्टेड केसेस हैं हमारे। उन सस्पेक्टेड केसेस में 16 पेशेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं और आपके 35 पेशेंट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं। हमने ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी में भी उपलब्ध करा रखे हैं। ऊपर से जब मरीज शिफ्ट होंगे या डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि मरीज थोड़ा जाने में टाइम ले रहा है, नहीं जा रहा है तुरंत, थोड़ा सेचुरेशन लेवल ठीक आने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो जब तक वो बेड खाली नहीं करेगा तब तक हम नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस भी स्थिति में है हम उसको ऑक्सीजन और जो सेवाएँ हैं वो प्रदान कर रहे हैं। हाँ, वो तो हमारे बेड तो फुल है। रुड़की में 18 से 44 साल तक के लोगों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत सोमवार यानी कल से शुरू हो गई थी। इधर पहले दिन युवाओं में टीकाकरण को लेकर अधिक उत्साह देखने को मिल रहा। रुड़की में 4 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से ही टीका लगवाने युवा पहुंच गए। कोविन ऐप पर पंजीकरण कराने के बाद टीके के लिए लाइन लगी रही। केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन के बाद टीका लगाने की शुरुआत हुई।
वहीं रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों से भी लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आए। अरे देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, फर्स्ट फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर था उनको वैक्सीनेट करवाया गया था और सेकंड फेज में जो 45 से अबव के जो लोग हैं उनका ड्राइव चल रहा है एंड 18-45 लोगों को वैक्सीनेट करने के डायरेक्शन प्राप्त हो गए हैं, तो आज से स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए एक तो सभी लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट ये किया गया था कि लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये क्लियर है कि ऑन स्पॉट किसी का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है एक तो कि पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अभी जिस क्वांटिटी में वैक्सीन मिल रही है उसी क्रम में साइट डेवलप की गई है और अच्छी चीज़ ये है कि लोगों के द्वारा उसमें बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया जा रहा है। जो अभी हम लोगों के द्वारा साइट बनाई गई है तो सभी साइट में आई थिंक विद इन हाफ एन आवर में ही पूरा स्लॉट भर गया था और तो लोगों के द्वारा इनिशिएट लिया जा रहा है और अच्छी चीज़ है। एंड हम लोगों का भी ये टारगेट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो सभी लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। दिल्ली में भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शमशान घाट में शव जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। पंजाब में भी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शमशान घाट में क्या प्रबंध किए गए हैं? गुरदासपुर के शमशान घाट का रियलिटी चेक किया गया, जहां शमशान घाट की देखभाल कर रहे व्यक्ति राजकुमार ने कोरा सच बयां किया है। हालात जहां भी बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना शमशान घाट में 3 से 4 शव आते हैं जिनकी मौत कोरोना से हो रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है, आज जय हो क्लब के एक सेवक विक्की दत्ता द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनों के साथ अमृतसर के शक्ति नगर में निशुल्क ऑक्सीजन सेवा शुरू की गई है। हमारे संगठन से संपर्क करें और इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सेवा का लाभ उठाएं। महामारी दे विच तुसी वेखो, दिल्ली दे विच होर सारे इंडिया दे विच ऑक्सीजन की किल्लत कारण कई मौतां हो रही ने। सो उस चीज़ नूं वेखदे हुए साडी NGO वल्लों एक उपराला किया गया सी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो हवा दे विचों ऑक्सीजन बना के पेशेंट नूं दिंदे ने। असीं उह कंसनट्रेटर जिहड़े ने ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਏ ਗਏ दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण अमृतसर के सिविल अस्पताल में देखा जा सकता है, जहां एक तरफ सरकार प्रचार कर रही है कोरोना वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति को दी जानी चाहिए और हर व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह कोरोना वैक्सीन प्राप्त करे ताकि परिवार और समाज को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन जब लोग सरकारी आदेशों पर कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने के लिए अमृतसर के सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण निराशाजनक और भयभीत माहौल में लौटना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं बलविंदर सिंह जी, न्यू यादनगर तो आया हूँ। पत्थरवाली पार्क सुल्तानमंड रोड से हैगी डिस्पेंसरी, उत्थे सिफारशी बंदियां नूं वैक्सीन दित्ती जा रही, दूजे बंदियां नूं कोई वैक्सीन दे मुक गई। देखो, वैक्सीन की सप्लाई सिविल सर्जन ऑफिस चों आंदी है, कल परसों डोजेज मिली सी 1000, वो अज सवेर तक खत्म हो गई हैं, ठीक है ना। हुण शाम तक फिर हैगा उम्मीद है भी गड्डी गई हुई है, तो जदों भी डोजेज आणगियां वो शुरू कर दित्ते हैं। ब्लड दी भी शॉर्टेज काफ़ी देखण नूं मिलदी है। ब्लड दा हुण करोना करके इह वी कैंप्स वगैरह बहुत घट गए ना, करोना दा गाइडलाइन दे हिसाब नाल वो गैदरिंग घटाती है हुण, उस करके जिहड़े हैगे आ अपना ब्लड कैंप्स डोनेशन सोसायटी जिहड़ियां लगांदियां सी बहुत घट गए, उस करके ब्लड की थोड़ी कमी है। बाकी लिस्ट हैगी साडे कोल डोनर्स की,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਆਫਟਰ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान हैं और पंजाब में लगा लॉकडाउन भी इस महामारी में कारगर साबित नहीं हो रहा। कुछ ऐसा ही हाल अमृतसर का है, जहां शिवपुरी में संस्कार करने के लिए जगह बढ़ाई जा रही है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है और कमेटी इस समय मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। मेड़ता शहर में बढ़ता कोरोना का कहर, शहर में कोरोना संक्रमण तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना शमशान लाशों का जमघट, अस्पताल में भारी भरकम भीड़, चारों तरफ दहशत का साया, कोरोना ने मेड़ता में जमकर कहर बरपाया है। अब शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं और आए दिन गांव में मौतों का तांडव जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से गांव में अब ग्राम रक्षक की गांव में संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ेंगे, वह कारगर साबित होगी। मेड़ता थाने में आज ग्राम मित्रों की, ग्राम रक्षकों की, CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को इस चेन को तोड़ने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए 20 स्टार न्यूज के साथ।